सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल के हैंग होने की संभावना से लेकर। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त ऐसे हैं जो जो फ़ोन के हैंग होने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक्चुअली मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। मेरे भी काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त हैं वो भी मुझे बोलते थे कि यार फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है, तो उसका कोई सोल्यूशन वगैरह बताओ, ये सब बताओ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी अपन कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, कोई नया फ़ोन परचेस करते हैं, कोई आईफोन परचेस करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा से चलता है। पर बाद में क्या होता है दोस्तों, 5-6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, आप जैसा कि जानते हैं कि उसमें धीरे धीरे वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है, तो उसमें हैंग होने की संभावना जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, इसी का ही सॉल्यूशन, इसी का ही इलाज हम बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और हम बात करते हैं कि आज फ़ोन को कैसे हैंग होने से रोका जाता है। आज हम आपको 3 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, 3 ऐसे सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं जिससे आपका फ़ोन जो है हैंग होना बिल्कुल बंद कर देगा। और तो देखिए, जो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहली टिप्स आती है, वो ये है कि दोस्तों कभी भी प्ले स्टोर से या किसी ऐसी दूसरी वेबसाइट से कभी भी आप कोई भी क्लियर कैश का या बूस्टर कोई भी डाउनलोड मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये भी एंटीवायरस कोई ऐसा कोई खास नहीं है, कुछ ज़्यादा फर्जी वर्जी टाइप का है, तो दोस्तों वो डाउनलोड मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐसे क्लियर कैशिंग के या बूस्टर या कोई फालतू एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उससे आपके बैटरी बैकअप पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपके फ़ोन के हैंग होने की संभावना वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसी एप्लीकेशन प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिए। ये एप्लीकेशन काफ़ी बकवास है और आपके फ़ोन पर ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, डालती है, और आपकी बैटरी भी इससे इन एप्लीकेशन की वजह से ज़्यादा चल नहीं पाती है, अच्छी चल नहीं पाती है और ख़राब होने की संभावना होती है बैटरी भी। तो दोस्तों, नंबर सेकंड पे जो सॉल्यूशन आता है, नंबर सेकंड पे जो टिप्स आती है, वो ये है कि जो भी आप एप्लीकेशन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको उनको फोर स्टॉप कर दीजिए और उनका कैश क्लियर कर दीजिए, डाटा क्लियर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन पे वो एप्लीकेशन तो रहेगी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके फ़ोन पर कोई भी इफेक्ट नहीं देगी। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले मेरे साथ सेटिंग पर आ जाना है। दोस्तों, सेटिंग पे आने के बाद आपको जाना है सीधा एप्लीकेशन मैनेजमेंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है, तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जाना है इंस्टॉल एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों, जब आप इंस्टॉल एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आपको वो वाली एप्लीकेशन ढूंढना है जो आपके लिए अभी काम की नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने खूब सारी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ की हुई है। तो जैसे मैं देख सकते हैं कि मैं उबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उबर की जो एप्लीकेशन वो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की नहीं है। तो उबर की एप्लीकेशन पर जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे लास्ट एक ऑप्शन आता है क्लियर कैश का, तो आपको क्लियर कैश कर देना है। इसको क्लियर कैश करने के बाद इसको क्लियर डाटा कर दीजिए। क्लियर डाटा करने के बाद ये बताइए, आपसे बस यही पूछेगा द सिस्टम विल रिमूव ऑल द डाटा, तो इसको क्लियर कर दीजिए। उससे क्या होगा, इसका जो इस उबेर का जो एप्लीकेशन का जो भी अकाउंट था और जो डाटा वगैरह था वो सारा क्लियर हो चुका है। अभी एप्लीकेशन केवल आराम से रखी हुई है मेरे मोबाइल में और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे मोबाइल पर, कुछ भी कोई भी इफेक्ट वगैरह कुछ भी इसमें नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिना अनइंस्टॉल किए हुए बिना अनइंस्टॉल किए हुए ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में भी है और इसका डेटा भी क्लियर हो चुका है, यानी कि इसका कोई इफेक्ट ये कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है मेरे मोबाइल पर। तीसरी टिप्स ये बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको कि कभी भी आप ऐसी किसी भी वेबसाइट से, ऐसी किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ऐसी कोई भी एप्लीकेशन या ऐसी कोई भी फाइल डाउनलोड मत कीजिए जो आपको लगता है कि उस फाइल में वायरस हो सकते हैं। दोस्तों, खासकर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ API फाइल्स की, या फिर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी ऐसी ऐसी फाइल्स होती है, ऐसी zip फाइल्स भी होती है, API फाइल्स भी होती है। तो दोस्तों, ऐसी फाइल्स में हैकिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वायरस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हैकर्स का जो मेन जो फोकस होता है वो ऐसी ही फाइल्स रहती है दोस्तों। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी फाइल्स को प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिए। और डाउनलोड आप जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी आप फाइल डाउनलोड करिए, तो आपको 2-3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए जो आपको लगता है कि ये वाली वेबसाइट सही है डाउनलोड करने के लिए। ऐसी किसी वेबसाइट से डाउनलोड मत कीजिए जो आपको लगता है कि ये फेक वेबसाइट है या इसकी वजह से मेरे फ़ोन पे इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आपका देखिए, खूब सारी एप्लीकेशन जो फाइल्स होती है, एपी की फाइल होती है और खूब सारी फाइल होती है, वो बेसिकली गेम की फाइल होती है। तो दोस्तों, आपका गेम खेलना आपके मोबाइल से तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको अपने मोबाइल का बचाव रखना है। तो ऐसी जो वेबसाइट आपको लगती है कि यार ये वाली वेबसाइट गलत है, इस वेबसाइट से मेरे मोबाइल में वायरस आ सकता है, मेरे मोबाइल में वायरस आने के बाद मोबाइल को हैंग कर सकता है, मेरी बैटरी बैकअप खराब हो सकता है,
तो दोस्तों ऐसी किसी भी वेबसाइट से आप जो है कोई भी APK फाइल या कोई भी फाइल जो है डाउनलोड मत कीजिए, मैं यही राय आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थे कुछ 3 छोटे सिंपल से टिप्स। ये ट्रिक्स दोस्तों अगर आपने यूज़ कर लिए, ये सॉल्यूशन अगर आपने यूज़ कर लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा, और अगर आपका फ़ोन अभी हैंग होता है तो वो धीरे धीरे हैंग होना उसका बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वाला वीडियो, एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब ना होगा। टेक्निक सर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।